अच्छा जी, जो कहते हैं वादी जिन, ये देख लें आप पहाड़ शहाड़। अब यहाँ पे कहा जाता है जिन भी दिखाएं ये ये तीन जिन बैठे हैं पीछे। इस जगह के बारे में कहा जाता है जी कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करें तो खुद ही चलती है। अभी हम टेस्ट करते हैं, ये मैंने न्यूट्रल की हुई है, कोई गियर शेट नहीं मैं लगाऊंगा। ये देखिए जिनों के सरदार थे, परमिशन तो लेना, ये इधर है। ये देखिए गाड़ी खुद चलना शुरू हो गई है। कहा जाता है जी कि 120 तक एक्सेलरेट होती है। लेट्स सी। हालांकि देखे यार ऊंचाई है यार। ऊंचाई है ये न्यूट्रल पे मैंने गियर रखा हुआ है। ये देखिए कोई एक्सेलरेटर नहीं है। इधर दिखाएं जी न्यूट्रल। हां जी ये न्यूट्रल है। इधर जिन भी दिखाओ मसरूफ है गाड़ी चलाते। इधर साहब मेरा बहुत जोर लग रहा है, मैं बहुत जिन को बुला के आ के मैसेज आ गया जिन का। ये क्या सीन बना रहे हैं? जिन साहब बोल रहे हैं कि मौजूद हैं आप। जिनों की गाड़ियां हैं उन्होंने जब्त की हुई है। जनाब 50 पे आ गई है। और वाकई यार जब मैं आ रहा था ना तो फुल जोर लग रहा था गाड़ी का आते हुए ना। क्या हुआ, कमी क्यों किया मैंने ऐसे? अभी तुम अपना सर ढीला रखो, आगे गिरेगा सर। साठ तक आ चुकी है। ये देखिए दुनिया सब आई हुई है यहाँ पे, यही वादी है जिन को विटनेस करने। ये कमरान साहब हैं जी हमारे साथ, ये हमें लेके आए हैं, इनका बहुत शुक्रिया। ये देखे जनाब 70 तक पहुंच गई ऑलमोस्ट गाड़ी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अभी तक न्यूट्रल पे है गाड़ी, है चेक करें बाद में एविडेंसेस पूरे। यार चेक हमें पता है आप वीडियो देख के यकीन नहीं करेंगे। कभी खुद आगे देख लेंगे। सही बात है, हम पाकिस्तान से सिर्फ चीन देखने आए हैं। काम में तो हमको वैसे ही काफी है जो है वो गाड़ी दरवाने पे लगा। ये लोकेटेड है मदीना से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है। हां 15 किलोमीटर हरम शरीफ से 10-15 किलोमीटर दूर है ये एरिया। और ये और बोर्ड भी लंबा 20 गाड़ी का किलोमीटर दिखाया जाए। गाड़ी का स्पीड जी 100 पे पहुंच गई है ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेलरेशन। ये देख इतनी नीचे ही पे गाड़ी जाती है। मुझे लगता है हमें इसे ओवरटेक करना पड़ेगा। गाड़ी पे लेकर जाओ, ओवरटेक करना पड़ेगा। और ये क्लियर एविडेंस है कि हमारे पास हमारे वाला जिन ज्यादा मजबूत है। ये क्लियर एविडेंस है, ज्यादा जोर लगा रहा है। और वो भी उन्होंने अपने जिन को 3-4 गालियां रसीद की है और गाड़ी की बाउंड्री लाइन पार कर गया। गाड़ी 110 तक एक्सेलरेट कर चुकी है भाई। आगे भी देखा जाए जिन बहुत भरपूर तरीके से जोर लगा रहे हैं। जिन ने अपना तोप उठाकर गाड़ी को घुमाना शुरू कर दिया। हमें भी यकीन नहीं हो रहा था जनाब जब पहले कमरान साहब ने हमें बताया था। पानी भी यहाँ पे जी कहा जाता था कि पानी आप गिराए कुछ भी यहाँ पे गिराए तो ऊपर जाता है। आज हमने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया लेकिन हम उसकी वीडियो नहीं बना सके। तो पानी अगर आप रोड के ऊपर गिराए तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यहाँ से पानी का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये देखें
शराब ये सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दुनिया भर का पाकिस्तान इधर लगा हुआ है जिन्नों को पागल करके छोड़ेगा। ये एविडेंस बहुत क्लियर है कि हमारी गाड़ी के साथ जो है वो पावरफुल जीन लगे हुए क्योंकि हम तीन गाड़ियों को क्रॉस कर चुके हैं और बल्कि पांच जीन अंदर भी बैठे हुए हैं फिर भी अभी भी एक्सेलरेट हो रही है जनाब। वो बाउंड्री तक जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिक स्लो होने शुरू हो जाएगी। हालांकि बाउंड्री के बाद भी उतराई है लेकिन स्लो हो जाएगी। इस जगह की हमें हिस्ट्री का नहीं पता लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे जिन होते हैं। ये उबैद साहब जाके थीसिस करेंगे इसके बारे में कोशिश करेंगे एकदम कोई फिर उबैद साहब हमें भी समझाएंगे जिनों की लेबर है बस साहब सब जरा वीडियोस वगैरह अच्छी बनाए ना ये पावर शॉट की पावर शॉट ये जनाब एक्चुअली एरिया ऐसा है ना कि देखने से पता चल रहा है कि वाकई ये ऐसा है ये पतले पहाड़ की बना हुआ है। ये आप नाज़रीन और हाज़रीन और ये शेख अख्तर ने भी कर ली आखिर कितने रंजों के बाद मार पिटाई के बाद ले ली। ये हमारे साकिब साहब हैं जो आजकल हमें सैर सपाटे करवा रहे हैं। ये कामिल साहब हैं ये हमारे गाइड हैं और ये हमारे उबैद साहब हैं आजकल गाड़ी को एक्सेलरेट करने में लगे हुए और ये हमारे इमरान साहब हैं और हम कौन है पता नहीं मुबशर साहब हैं हमारे बड़े भाई और बड़े भाई। ये साकिब साहब अभी आपको कंटिन्यू करें आप वीडियो बनाना। अच्छा ये गाड़ी है हाँ यार ये तो बताया नहीं कि और ये तस्वीर दिखाई जाए जो हम पे जबरदस्ती बेची गई है ये वो तस्वीर है जो हम पे जबरदस्ती बेची गई है। बच्ची ने कहा था निकालो दस रियाल हाँ नहीं तो हम नहीं छोड़ेगा तुम दस रियाल के और पाकिस्तानी रुपीस भी साथ बताए और तो जनाब ये थी वादिया जिन। आपको अगर चांस मिला मदीना आने का तो आप लाजमी यहाँ पे आइएगा इस जगह को विटनेस कीजिएगा तब आपको ये अपना ईमेल एड्रेस दीजिए और ये देखिए मैंने गाड़ी स्लो भी की थी लेकिन दोबारा 100 पे आ गई है। ये देखिए ये सब यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स वगैरह सब बनाए हुए लोगों ने। चले आप बंद करते हैं वीडियो में खाल में बोर हो गए होंगे।